जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप हम जानेंगे कि फोन पे ऐप से आप अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे ऐप को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा, देखो, टू बैंक UPI ID। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे नीचे में लिखा होगा प्लस आइकन, तो इस प्लस वाले आइकन को एक बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने बैंकों का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका जो बैंक है उस बैंक को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में आपका बैंक का नाम शो हो जाएगा और नीचे आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। और नीचे में लिखा होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट होल्डर का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा और नीचे में एक जो कोई नाइक नेम दे देना आप, जो नाम देना चाहते हैं। और नीचे में लिखा होगा प्रोसीड टू पे, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऊपर में आपका जो नाइक नेम दिया है उस नाइक नेम शो हो जाएगा और साइड में 4 डिजिट अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। और नीचे में आपको अमाउंट डाल देना, जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर डाल दीजिए और प्रोसीड टू पे इस वाले ऑप्शन पर नीचे में एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका पेमेंट बैंक शो हो जाएगा, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए आपका बैंक सिलेक्ट करने के बाद और एम पिन डाल दीजिए जो आपका एम पिन है। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन देखो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फोनपे ऐप से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए।